Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जिसको सिंदूर दिया वही छीनेगी आरती की थाली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अहिल्या देवी ने देवी आई के सामने सिंदूर दिया पार्वती के आई बाबा को, पार्वती के लिए जो वो खुद पूजा करने आई थी। उसने तो भलाई की कि एक माँ अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करने आई है तो उसकी प्रार्थना में कोई विघ्न ना पड़े। मगर दोस्तों वो विघ्न जो अहिल्या टालना चाहती थी वो चल के उसी के सामने आ गया। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दो लड़कियां अहिल्या देवी और पार्वती दोनों ही अनजान, दोनों को नहीं पता कि इनको कैसे मिलाया जा रहा है एक दूसरे से, या फिर अलग किया जा रहा है जो भी है, या फिर ये कहें कि कैसे जो द्वारका साजिश चल के पूरे वाड़े पे अपना जो है अधिकार जमाना चाहती है, कुछ भी हम इसमें कह सकते हैं। मगर जो चीज सबसे बुरी यहां पे हो रही है वो है अहिल्या के साथ। अहिल्या जिसने आज तक किसी की बुराई नहीं की, उसकी बुराई वो लड़की कर जाएगी जो उसको जानती नहीं है, जिसकी जो रिलेशन उसके साथ पार्वती के साथ जो शुरू हुआ है वो एक अच्छाई से शुरू हुआ है, यानी कि उसकी पार्वती की पूजा को बचाने के लिए उन्होंने अहिल्या ने सिंदूर दिया। अब पार्वती को नहीं पता है कि अहिल्या ने मेरे ऊपर कोई उपकार किया है, वो तो जो षड्यंत्र का एक मोहरा बनके वाड़े में आएगी और आरती की थाली थामेगी कि आरती नहीं रुकनी चाहिए। और वो जब ऊपर आएगी करने के लिए आरती तो उसको तो कहते हैं ना कि रेड कार्पेट पे लेके आया जाएगा, क्योंकि वो द्वारिका की रिश्तेदार है और गौतमा से पहले ही अप्रूवल मिल चुका है। तो ये सब चीजें अहिल्या को नहीं पता है, ना ही अभी तक हरकू भाई साहब को पता है, मगर गौतमा और द्वारिका को पता है। इसलिए उनको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा कि जब अहिल्या की तबीयत थोड़ी खराब है तो आरती कौन करेगा, पार्वती करेगी। यहाँ पे जब पार्वती आरती की थाली थामेगी तो अहिल्या, हरकुबाई और बाकी जिनको नहीं पता, खास करके रकमा जसूस, सबको ये हैरानी होगी कि ये है कौन, द्वारका के रिश्तेदार है ठीक है, मगर बाकी लोग भी तो खड़े हैं। अगर अहिल्या के हाथ कांप रहे हैं या अहिल्या को खांसी हो रही है या आरती गिरने का डर है तो कोई दूसरा भी तो कर सकता है। तो इन दोनों ने रानियों ने पार्वती को क्यों आरती दी, और ये राज फाश होगा जब ये सामने आएगा कि ये तो खंडेराव की दूसरी शादी करने की तैयारी है, खंडेराव की दूसरी पत्नी है। तो दोस्तों भलाई तो अहिल्या ने की, मगर भलाई का नतीजा अभी तक अच्छाई की तरफ नहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं अहिल्या को परेशान करने वाला ही है। तो पार्वती की एंट्री हो गई है, कल हम देखेंगे कि ये एंट्री जो है क्या क्या गुल खिलाती है बाकी लोगों की जिंदगी में, ये देखना दिलचस्प होगा। मगर एंड रिजल्ट क्या होगा वो यही होगा दोस्तों जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अहिल्या देवी के सामने चाहे किसी को भी खड़ा किया जाए, जीत अहिल्या देवी की ही होती है। चाहे खंडेराव की दूसरी शादी भी कर दे, मगर जिस लालच के लिए द्वारिका ये सब करवा रही है वो लालच उसका कभी पूरा नहीं होगा, यानी कि गद्दी गुनु जी को नहीं मिलेगी। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिए, देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.